आप पब्लिक लाइव देख रहे हैं, मैं आपके साथ कृष्णा सिंह। अभी मैं शेरपुर में हूँ, जहाँ पे ग्रामीण जो हैं एक जगह इकट्ठा हुए हैं और यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं उनका जो तरीका है काम करने का, चूंकि ये 10 महीना होने को है जीते हुए, लेकिन आज तक ना तो इधर देखने आए हैं कभी, ना ही इन लोग से पूछने आए हैं, जो कि चुनाव के समय जब वोट लेना रहता है हर एक महिला के 5 होते हैं, हर एक महिला से आशीर्वाद लेने आते हैं। आज उनको वो महिला याद नहीं पड़ रही है, वो माँ याद नहीं पड़ रही है जिनका आशीर्वाद उन्होंने लेने आया था, वो बहन याद नहीं पड़ रही है जिनका आशीर्वाद उन्होंने लेने आया था। आज जो है वो अपने घर में सुख चैन से जी रहे हैं और कहीं कोई उनको मतलब नहीं है क्या हो रहा है। आप घरों की स्थिति देखिए, घर का स्थिति दिखाइए थोड़ा सा, देख लीजिए ये पलानी बना हुआ है, इनको इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको नहीं जोड़ा गया है अभी तक। देख रहे हैं आप घरों की स्थिति, आप इनको दिखाइए, ये है इस घर के मालिक। आप अपना नाम बताइए तो। सुरेंद्र कुमार। अच्छा ये बताइए कि आपको इंदिरा आवास मिला है? नहीं। क्यों? जाते हैं तो बोलता है कि से भर देंगे फॉर्म, भर देता है उसके बाद अभी नहीं करता है, भरता नहीं है, बोलता है भर दिए, नहीं आता है फॉर्म। फिर दोबारा नहीं गए? ना, जाते तो बोलता है भर दिए, आएगा अगला साल आएगा, ऐसे करते करते मैं चला गया। उसके बाद फिर नया में जीता है तो पूछने भी नहीं आता है कि हाँ तेरा इंदिरा आवास मिला है कि ना मिला है, कुछ नहीं पूछने आता है। पीने वाला है तो कहाँ यहाँ पर आएगा समझने के लिए, खाली वहाँ गद्दी में बैठा रहता है, पीते रहता है, किसी से ना पूछता है कि किसमें कौन सी कमी है गांव में, किसी को नहीं पूछने आता है। सही बताइए कि संसद में लोग महिला को आरक्षण देने की बात करते हैं और महिला आरक्षण के तहत इस वार्ड के वार्ड नंबर 44 के हाजीपुर नगर परिषद वार्ड नंबर 44 है, जहाँ पे महिला प्रत्याशी जो जीत की है उनका नाम शांति देवी है, पति का नाम कैलाश माथुर है। हम उनका नाम इसलिए बता दे रहे हैं कि कुछ लोग वोट देने के समय दे दिए थे, उनका नाम कैलाश माथुर है और उनका पहचान चिन्ह था उस समय, क्या था पहचान चिन्ह? हवाई जहाज। इनको केवल हवाई जहाज चिन्ह से इन्होंने वोट दिया और आज जब इनकी स्थिति ये दयनीय है तो इनको देखने वाला कोई नहीं है। आप और लोग हमारे बीच हैं, वो बताएंगे कि क्या स्थिति है अभी। जो आप अपना नाम बताइए पहले, वार्ड नंबर कितना में है आप? चवाल। ये बताइए कि आपका घर का स्थिति कैसा है? स्थिति तो खराब है। क्या मतलब वार्ड मेंबर से मिले थे? ना। नहीं मिले हैं। आप अपना स्थिति नहीं बताएं उनको? स्थिति बताए तो अब कह रहा थी ना कि से अब हमारे आती तो कौन जीता है, कौन दिया हमको वोट? बाहर के लोग देगा वोट, जो जिसका माने नाम दर्ज रहेगा वही ना वोट देगा, बाहर के लोग कैसे देंगे? ना अपना जात में वहाँ ना दिए तो बाहर के लोग, माने वार्ड से बाहर के लोग। हाँ, वार्ड से बाहर के लोग। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जीतने के बाद बोलते हैं कि वार्ड के लोग नहीं दिए हैं वोट, अलग के लोग हमको वोट दिए हैं। और हमारे बीच लोग हैं, बाबा हैं, बाबा आप कुछ बताएंगे, अपना नाम पहले बताइए। अच्छा ये बताइए कि ये वार्ड नंबर 44 है तो इसमें आप जितना दिन से हैं, पहले तो ये पंचायत था, पंचायत के बाद अब ये वार्ड बना है, तो वार्ड में आप किसको वोट दिए? तो अभी विकास मिलता है। अच्छा ये आपको राशन राशन मिलता है? राशन न मिलता है। कहा है इसके लिए बात किए थे? अरे वो राशन कार्ड कितना बुल भर भर के दे लिया, बनल बना के अभी न करा, का है की हो है? का हो जाता है आप पूछिए उससे। वोट लेवे ला वोट से आ वोट लेवे ला जी आ गए आ सब हो जब सब घोट जाता है सब ले माने पैसा वगैरह मांगता है का है? आ पैसा मांगे घोट बनाने के लिए। आप बताइए कार्ड बनाने के लिए पैसा मांगता है? कार्ड बनाने के लिए हमको तो विशाल कार्ड बना दिए थे, जीते कार्ड, हमको कार्ड तो कोई देवे नहीं। समय पंचायत था उस समय? हाँ। नहीं, वार्ड मेंबर से क्या आपको फायदा हो रहा? वार्ड मेंबर से कुछ नहीं फायदा, वार्ड के तो हम कैलाश महतो की शांति देवी के जिता दिए हम लोग, और वो लोग बोलते हैं क्या कि तू लोग तो वोटे ना दे ले, हम तो वोट तो थोड़ी हम बाहर के ही 44 नंबर जो गांव है वार्ड का हमारा है 44 नंबर, हमारा वार्ड से दूसरा वार्ड के आदमी इसको वोट दिया, कैलाश महतो के जिता दिया, गद्दी पर बैठ के दारू पी ले, हम लोग इसीलिए जिता दिए। मतलब ये खाली पीते हैं? हाँ, बस यही इनको काम है। हम लोग दूरा पर जाएंगे तो वो गेट खुलवे नहीं करेगा, कोई बैठने से मुलाकात भी नहीं हम लोग के होता है। जिस तरह का रवैया है वार्ड नंबर 44 के वार्ड पार्षद का, तो कहीं ना कहीं ये दुख का कारण है कि
अपने ही वार्ड में जहाँ पे जिनके यहाँ से आशीर्वाद इन्होंने लिया जीत कर जगह पे पहुंचे और आज जो है सो उन्हीं के साथ अवहेलना हो रही है, ये सरासर गलत है। अभी मैं वैशाली अधीक्षक, वैशाली जिला के सभी अधिकारी को भी ये सूचना प्रसारित करना चाहूँगा कि इस तरह के जो वार्ड मेंबर हैं, सभापति महोदय को भी इसका सूचना प्रेषित करना चाहूँगा कि जिस तरह से इनका अभी रवैया है कहीं ना कहीं वार्ड के लिए दुखदाई है, वार्ड का विकास नहीं होगा। इसी तरह का अगर रहा तो कहीं ना कहीं सभी लोग इनको अगला बार से वोट नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।